चलिए, सो अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो अब रहेगा प्लेन वॉल के केस में, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए और उसके बाद उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए। अब कंडक्शन के ही केस में एक और केस होता है सिलेंडर के लिए, कि सिलेंडर के लिए हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होता है कंडक्शन से वो क्या होता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए फॉरियर लॉ हमारे हमने क्या देखा था, फॉरियर लॉ फॉर हीट कंडक्शन। वो हमारा क्या था, क्यू इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स था। बस इसी का क्या हो जाता है, क्योंकि देखिए ये जो फॉरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन था, एक्चुअली इसको और ज़्यादा जनरलाइज टर्म्स में बोला जाए तो ये एक कार्टिसन कोऑर्डिनेट के लिए था। कार्टिसन मतलब कि अगर कोई प्लेन प्लेन सरफेस है तो उसके लिए हम डी टी अपन डी एक्स है। इसी में अगर मान लीजिए कि एक सिलेंडर आ जाता है, मान लीजिए कि जैसे ये किसके लिए था, हमारा एक प्लेन वॉल के केस में था, कि अगर यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र क्यू हो रहा है और यहाँ पे मान लीजिए कि लेंथ इसका एल था, तो हमारा क्या फॉरियर लॉ का कंडक्शन। अगर मान लीजिए कि यही एक सिलेंडर हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया, मान लीजिए इस होलो सिलेंडर में यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी स्टीम रखा हुआ है या कुछ भी फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा वो क्या कैसा होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा। तो यही फॉरियर लॉ का हम क्या लिख सकते हैं, फॉर रेडियल डायरेक्शन के ए डी टी अप जो टेम्परेचर होगा, जो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा था, अब यही टेम्परेचर जो है वो रेडियल डायरेक्शन में आर के एलोंग वेरी करेगा। ठीक है, तो दोनों में बस डिफरेंस यही है कि फॉरियर लॉ दोनों के लिए सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो कार्टिसन कोऑर्डिनेट रहेगा प्लेन वॉल के केस में, वो हम जो टेम्परेचर का ग्रेडियंट लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो एक्स के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, जबकि सिलेंडर के केस में यही हमारा क्या हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल आर के केस में लेंगे। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ये किसके लिए है, इट इज़ अ फॉरियर लॉ, फॉरियर लॉ फॉर सिलेंडर। तो सिलेंडर के लिए जो फॉरियर लॉ है उसको हम लोग इस टर्म्स में लिख सकते हैं, क्या, माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। और फॉरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन फॉर वॉल भी हम बोल सकते हैं, कि वॉल के केस में, या प्लेन वॉल, वॉल भी नहीं लिखे, प्लेन वॉल के केस में तो हम लिख सकते हैं माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। प्लेन वॉल के लिए हो जाएगा माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, और सिलेंडर के लिए हो जाएगा हो गया हमारा माइनस के ए डी टी अपॉन डी आर हो जाएगा। क्लियर है ये। तो देखिए इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए, जैसे हमने प्लेन वॉल के लिए क्यू इक्वल टू क्या निकाला था, डेल्टा टी अपॉन आर टी एच निकाला था, जहाँ आर टी एच की वैल्यू होता था एल अपॉन के ए के बराबर, वैसे ही सिलेंडर के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या आर टी एच की वैल्यू होने वाली है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, क्यू इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी आर। क्लियर है ये। अब देखिए क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू इंटू डी आर इक्वल टू माइनस के ए डी टी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको और लिखें तो क्यू इंटू डी आर माइनस के, अब देखिए यहाँ वहाँ पे जो एरिया था, ये जो एरिया था वो थ्रू आउट सेम था, यहाँ पे जो एरिया होगा वही सेम एरिया यहाँ पे होगा, तो ये एरिया सेम था तो हमने वहाँ पे तो कांस्टेंट ले लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि यही एक बॉटल है, ये बॉटल है और इसके अंदर स्टीम भरा हुआ है, अगर आप रेडियल डायरेक्शन में जाएंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, जब सिलेंडर के लिए जो कर्व एरिया होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2πr के बराबर हो जाएगा, 2πr इंटू एल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो हमारा यहाँ जो रेडियल डायरेक्शन में, यानी कि सिलेंडर के केस में जो हमारा एरिया है, क्योंकि आर अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा एरिया की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, मतलब यहाँ पे हमारा एरिया क्या है, चेंज हो रहा है, एरिया कांस्टेंट नहीं है, तो इसीलिए हम इसका जो आर वाला टर्म्स है यहाँ पे वो इंटीग्रेशन में हम लोग यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो मतलब हमारा सिलेंडर के लिए एरिया क्या हो जाएगा, 2πrL। जब हम इसकी वैल्यू को पुट करें तो जब हम लोग और इसका रीअरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं डी आर अपॉन आर, आर को इस साइड ले लेते हैं और बाकी टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है तो उसको एक साइड ही रहने देते हैं, 2π। लेंथ जो है वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है तो लेंथ भी बाहर आ जाएगा,
इंटू डी टी हो जाएगा। तो अब हम लोग अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर, और आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, आर वन से लेके आर टू तक वेरी करेगा, इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस के इंटू टू पाई इंटू एल इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम टी वन से लेके टी टू तक। ठीक है, तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू एल एन ऑफ आर फ्रॉम आर वन से लेके आर टू तक इक्वल टू माइनस के इंटू टू पाई एल टी टी वन से लेके टी टू तक। तो और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्यू इंटू एल एन ऑफ आर आर वन से लेके आर टू तक के, अगर माइनस को अंदर साइन ले लें तो ये हो जाएगा, अच्छा पहले रहने देते हैं, इंटू टू पाई एल ये हो जाएगा हमारा टी टू माइनस टी वन ये हो जाएगा। तो और हम लोग इसको लिखें तो क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू एल एन ऑफ आर टू डिवाइडेड बाई आर वन इक्वल टू माइनस साइन को अंदर ले लीजिए तो के इंटू टू पाई एल टी वन माइनस टी टू हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा, केवल टी वन माइनस टी टू को रहने देते हैं और बाकी सबको एक साइड ले लेते हैं, तो ये नीचे आएगा एल एन आर टू अपॉन आर वन और ये डिवाइड में हो जाएगा टू पाई के एल। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब हम लोग अगर इसी को कंपेयर करेंगे आई इक्वल टू जो होता है डेल्टा वी अपॉन आर, तो मतलब ये होल टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, आर टी एच मतलब थर्मल रेजिस्टेंस फॉर सिलेंडर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एल एन ऑफ आर टू अपॉन आर वन डिवाइडेड बाई टू पाई के एल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्मल रेजिस्टेंस का।